नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो न्यूज टुनाइट में बात सबसे पहले इस वक्त की अहम खबर की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कैसे होंगे, इसका ट्रेलर मिल चुका है। जी हां, कांग्रेस को भारी झटका लगा है। एग्जिट पोल की माने तो असम और केरल से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो सकती है, जबकि असम में पहली बार कमल खिलने जा रहा है। जी हां, बीजेपी के सर्वानंद सोनवाल पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वही ममता बनर्जी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वहीं केरल में लेफ्ट के समर्थन वाली सरकार की वापसी हो सकती है। तमिलनाडु में कड़ा संघर्ष है। यहाँ जयललिता की AIADMK और करुणानिधि की DMK के बीच कांटे की टक्कर है, यानी कोई भी जीत का बिगुल बजा सकता है। और गौरव हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हैं। गौरव, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका माना जाए और बीजेपी के लिए एक नया राज्य यहां पर जुड़ने जा रहा है। बिल्कुल शिल्पा, बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि साफ साफ देखें तो असम और उसके अलावा केरल, दो बड़े स्टेट जहां से कांग्रेस सत्ता से बाहर होती दिख रही है एग्जिट पोल्स में, और इसके अलावा जहां भी वो आ रही है, अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने CPM के साथ गठबंधन किया, कोई फायदा नहीं हुआ, वहां भी सत्ता से बाहर दिख रहे हैं। और DMK के साथ अगर उनको सत्ता में आते हुए दिख भी रहे हैं, अगर तमिलनाडु में, तो वहां कोई उनका बड़ा स्टेक होगा नहीं, क्योंकि वहां पर DMK उनसे बड़ी पार्टी है। तो साफ है कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और इन एग्जिट पोल्स को आप एक दूसरे परिपेक्ष में भी देख सकते हैं, क्षेत्रीय क्षत्रपों का उत्थान कहीं भी देखिए, ना तो बीजेपी ना ही कांग्रेस, अगर बीजेपी को असम छोड़ दे तो उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल को सामने रखा जो कि वहां के एक बड़े लीडर हैं। इसके अलावा कहीं भी बीजेपी का कोई फायदा होता नहीं दिखता। और कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने दो बड़े स्टेट खोए हैं, और जिस भी स्टेट में आ रहे हैं वहां भी क्षेत्रीय क्षत्रप ही उनके आगे खड़ा हुआ दिखा है, उसकी वजह से वो आते दिख रहे हैं। तो ये बड़ा इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में नेशनल पॉलिटिक्स में भी। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, और वहां भी क्षेत्रीय क्षत्रप काफी ज्यादा, अगर कुछ राज्यों की बात, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रीय क्षत्रप सबसे ज्यादा हावी है वहां पर। तो क्या वहां भी यही इतिहास दोहराया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। और जब 19 मई को नतीजे आएंगे तो पिक्चर ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन साफ है यहां पर लेफ्ट ने अपना एक गढ़ जिसको हम केरल कहेंगे वो बचाया है, क्योंकि त्रिपुरा ही उनके पास बचा था। हालांकि जो एक 30 सालों से ज्यादा जो राज किया उन्होंने पश्चिम बंगाल में, वहां वो दोबारा सत्ता में आने में फिलहाल कामयाब नहीं हुए। ममता बनर्जी सबसे बड़ी लीडर इन 5 राज्यों में निकलकर उभरती दिख रही हैं। जी गौरव, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो एग्जिट पोल के मुताबिक असम में पहली बार कमल खिल सकता है। जी हाँ, जो असली तस्वीर है वो तो 19 तारीख को ही साफ हो सकती है। और अब आपको बताते हैं एग्जिट पोल के मुताबिक ही कि किस राज्य में कितनी सीटें किस पार्टी को मिलने जा रही हैं। का मेगा एग्जिट पोल जरा ये जान लीजिए और फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों बीजेपी के लिए खुशी है की खबर है। वहां से बीजेपी को असम से 79 सीटें मिल सकती हैं, 79 सीट्स मिल सकती हैं, ये कहना है इंडिया टुडे एक्सिस का, जो कि ये मेगा एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की बात करें, हम आपको इंडिविजुअल भी बताएंगे, लेकिन मेगा एग्जिट पोल बता रहे हैं बीजेपी को 79, जो कि बहुमत से कहीं ज्यादा है। कांग्रेस को 32 सीटें मिल सकती हैं। AIUDF जिसकी अगवानी बजरुद्दीन अजमल कर रहे हैं, उनको 11 सीटें मिल सकती हैं, बदरुद्दीन अजमल, और अदर्स को 4 सीटें मिल सकती हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है असम का इलेक्शन, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम पे जोर दिया, 11 रैलियां सबसे ज्यादा उन्होंने असम में की, और उसका असर अब दिख रहा है। सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा सामने रखा और उसके बाद ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नतीजे असम से आते हुए, ये मेगा एग्जिट पोल। और हम आपको ये मेगा एग्जिट पोल 4 एग्जिट पोल का एवरेज दिखा रहे हैं, यानी एक एग्जिट पोल का नहीं, 4 एग्जिट पोल हैं जिनका हम एवरेज दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ज्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल ने 90 सीट्स तक दी हुई है, 93 सीट्स तक दी हुई है, तो किसी ने 57 सीट तक ही समेटा है बीजेपी को। और उनका एवरेज निकालें तो कहीं ना कहीं 79 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही है। पश्चिम बंगाल का मेगा एग्जिट पोल जो बताता है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की वापसी होती दिख रही है। ये 4 एग्जिट पोल का एवरेज हम आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में, आप देख सकते हैं, जो कि बताते हैं कि TMC को 200 सीटें, जी हां 294 में से 200 सीटें ममता दीदी को मिलती दिख रही है मेगा एग्जिट पोल में। जबकि अगर CPM प्लस, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, वो 86 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। CPM और कांग्रेस ने गठबंधन करके इस बार चुनाव लड़ा है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी
थोड़ी सी बेटर सिचुएशन में, क्योंकि पिछले चुनाव 2011 का विधानसभा चुनाव देखें तो खाता नहीं खुला था बीजेपी का उस चुनाव में, और इस बार 6 सीटें इस मेगा एग्जिट पोल के जरिए दिख रही है। तो पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चुनाव लड़ा किया उतना ये एग्जिट पोल में जो बता रहा है उतना पर्याप्त है, इस पर भी बात करेंगे। और अदर्स 28 सीटें, अदर्स को 2 सीटें मिलती दिख रही जो कि 28 थी पिछली बार के चुनाव में, उससे 2 बसीमटते दिख रहे हैं अदर्स। क्या कहता है मेगा एग्जिट पोल केरल और तमिलनाडु का? बात अगर करें यहां पर तमिलनाडु की तो AIADMK प्लस 108 सीटें, और इस प्लस में ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 5 या 6 सीटें किसी और पार्टी को उन्होंने दे रखी हैं। डीएमके प्लस की बात करें तो उसमें करुणा ने दी और कांग्रेस की पार्टी है, और उनको 117 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी ये सबसे बड़ी पार्टी बनते उभर रहे हैं। और अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एक कम है बहुमत से, लेकिन अभी एग्जिट पोल है, ये नतीजे आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन फाइट बहुत तगड़ी दिख रही है। बीजेपी 0 और अदर्स 9। केरल की बात कर लेते हैं जल्दी से आपको, और बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए मेगा एग्जिट पोल केरल का क्या कहता है। और केरल में भी जो हमने बताया उसके मुताबिक अब जो उमन चांडी की सरकार है शायद उनको जाना पड़ जाए, क्योंकि LDF जो कि लेफ्ट का जो फ्रंट है वो 86 सीटें, UDF 50 सीटें उमन चांडी का, बीजेपी 2। तो चलिए एक बार रुक करते हैं एक और खबर का। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को हटाने पर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल सूखे को लेकर आनंदीबेन पटेल ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद ऐसी अटकलें अब लगाई जा रही हैं कि इस मुलाकात में गुजरात के नेतृत्व को लेकर मोदी और आनंदीबेन पटेल के बीच विस्तार से बात हुई। चर्चा तो यहाँ तक है कि अब आनंदीबेन पटेल को हरियाणा या किसी और राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा। ईपीएफओ कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहा है। कर्मचारियों के नौकरी जाने की स्थिति में ईपीएफओ इंश्योरेंस देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक नौकरी जाने की स्थिति में कर्मचारियों को 3 साल तक इंश्योरेंस कवर दिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगले महीने ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकता है। ये कवर इंप्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम यानी कि EDLI के तहत दी जाएगी। पिछले साल सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने EDLI के तहत बेनिफिट को 3,60,000 से बढ़ाकर अधिकतम 6,00,000 कर दिया। इस स्कीम के तहत इंप्लॉयर्स को कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 0.5% प्रीमियम के तौर पर देना होता है। आमतौर पर नौकरी जाने के बाद कर्मचारी इसका फायदा नहीं उठा पाते। ब्रिटेन सरकार के विजयमाल्या को भारत वापस भेजने के इनकार के बाद अब सरकार नई रणनीति पर विचार कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ माल्या ने बैंक्स को नया सेटलमेंट ऑफर दिया, और माल्या कह रहे हैं कि वो देश वापस लौटना चाहते हैं लेकिन सुरक्षा और आजादी की गारंटी पर। शर्तों के साथ माल्या लौटना चाहते हैं भारत। माल्या को चाहिए सुरक्षा और आजादी की गारंटी। कर्ज चुकाने के लिए माल्या का नया ऑफर। बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए दबाकर बैठे विजय माल्या का कहना है कि वो भारत आना तो चाहते हैं, लेकिन नियम और शर्तों के साथ। ये नियम और शर्तें हैं सुरक्षा और आजादी। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन सरकार के माल्या को भारत वापस भेजने से इनकार करने के बाद अब सरकार माल्या को देश वापस लाने के लिए नई व्यूह रचना कर रही है। Each one of the UPA partners, from the DMK to the NCP, are making strong noises in support. And therefore, if you take a broad headcount, I am reasonably confident when it comes to the crunch, it's extremely difficult for even the Congress party to take a contrarian view. दरअसल शुक्रवार को यूनाइटेड ब्रेवरेज की बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद विजय माल्या ने की। माल्या ने मीटिंग में कहा कि वो SBI को नया सेटलमेंट ऑफर दे चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में बात आगे बढ़ेगी। माल्या ने कहा कि उनकी बैंकों से लोन चुकाने को लेकर गंभीर बात हुई है और वो जल्द से जल्द कर चुका देंगे। माल्या ने कहा कि वो सभी सवालों का जवाब देने के लिए भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा और आजादी का भरोसा दिया जाए। माल्या के नए सेटलमेंट ऑफर की बात को यूबी ग्रुप के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैनिकेन का भी पूरा समर्थन मिला है। माल्या लंदन में है और उन्हें वापस लाने की भारत सरकार की तमाम कोशिशों का नतीजा अभी 0 ही रहा है।
यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या माल्या दबाव में ही सही भारत आकर लोन चुकाने के लिए गंभीर है, और क्या कर्ज चुकाने की नई पेशकश उनकी नई रणनीति का हिस्सा है। रिपोर्ट जी मीडिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के पास नहीं होने का ठीक रहे एक बार फिर कांग्रेस के सिर पर फोड़ा। वित्त मंत्री ने कहा कि अपने सहयोगियों को दरकिनार करके कांग्रेस जीएसटी की राह में रोड़े अटका रही है, और इसके अलावा वित्त मंत्री ने सिंगापुर के साथ टैक्स समझौते को लेकर कोई समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। संसद के बजट सत्र में जीएसटी बिल भले ही पास ना हो पाया हो, लेकिन सरकार अब भी इसे लेकर आश्वस्त है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि करीब करीब सभी रीजनल पार्टियां इसके पक्ष में हैं और सिर्फ कांग्रेस के चलते बिल अटका हुआ है। जेटली ने कहा कि यूपीए में शामिल पार्टियां भी जीएसटी के पक्ष में हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए लंबे समय तक इसे रोकना संभव नहीं होगा। ईच वन ऑफ द यूपीए पार्टनर्स फ्रॉम द डीएमके टू द एनसीपी are making strong noises in support, and therefore if you take a broad head count, I am reasonably confident when it comes to the crunch, it's extremely difficult for even the Congress party to take a contrarian view. वित्त मंत्री ने इस साल शेयर बाजार में स्थिरता लौटाने की उम्मीद जताई है। जेटली ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच किसी भी तरह के विवाद को भी खारिज कर दिया। सिंगापुर टैक्स समझौते पर कोई समय सीमा तय करने की जगह वित्त मंत्री ने कहा कि समझौते की प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस समझौते के नियम सिंगापुर समझौते पर लागू नहीं होंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने दो साल के दौरान पॉलिसी पैरालिसिस को खत्म करने में सफलता हासिल की है। कि जिसको पॉलिसी पैरालिसिस कहते थे और पूरे विश्व के वही लोग अब कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ये छोटा परिवर्तन नहीं है। पिछले दो साल के दौरान महंगाई को लेकर वित्त मंत्री ने संतोष जताया और कहा कि उनकी सरकार इसे काबू करने में कामयाब रही है। वित्त मंत्री ने मॉनसून के बेहतर रहने से इकोनॉमी में तेजी की भी उम्मीद जताई है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया। पैकेजिंग के नाम पर कई दुकानदार दालों के दाम में भारी इजाफा कर रहे हैं। साधारण दाल को ही पैक करके प्रति किलो पर 30 से 35 रुपए ज्यादा वसूला जा रहा है, और ऐसे में ग्राहकों को जी बिजनेस की सलाह है कि पैकेज्ड दाल की खरीदारी से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल करें। दाल के दाम एक बार फिर महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ने को बेकरार है। अरहर दाल का भाव 180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, और पैकेजिंग के नाम पर कुछ रिटेल कारोबारी इसमें और इजाफा कर रहे हैं। खुदरा बाजार में पॉलिथीन पैकेट पर अलग अलग तरह का स्टिकर लगाकर कीमतों में करीब 30 से 35 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। दालों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है, पर खुदरा बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी के लिए अलग तरह के तरकीब अपनाए जा रहे हैं। अब अलग तरह के स्टिकर का इस्तेमाल कर साधारण दालों पर भी ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। इन दुकानों पर खुली अरहर दाल 160 से 180 रुपए प्रति किलो है, लेकिन वही दाल पैक करके 190 से 230 रुपए प्रति किलो तक बेची जा रही है। जानकारों का कहना है कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो पैकेज दाल मिल रही है वो बेहतर क्वालिटी की है। साधारण दाल को ही पैक करके एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा विटामिन वाली दाल बताकर बेचा जा रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ होर्डिंग और स्पेकुलेशन को रोक सकती है या उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स ले सकती है, लेकिन मार्केट फंक्शन को रोक के या स्टैंडर्डाइजेशन को रोक के या पैकेजिंग को रोक के मेरे ख्याल से मुश्किल पड़ेगा उनको। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के करीब 18 राज्यों में दालों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में आए शॉर्ट टर्म जग का फायदा उठाकर जमाखोरी का खेल भी शुरू हो गया है। हालांकि सरकार जमाखोरी को रोकने और राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ाने की बात कर रही है। देखिए, जब तक प्रदेश सरकारें इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगी, दालों को इंपोर्ट तो कर लिया जाएगा, वो बंटवाया किसके थ्रू जाएगा? तो प्रदेश सरकारों को कृषि के किसी भी मामले में तुरंत प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना चाहिए। लेकिन आप दाल का खेल खेलने वाले रिटेलर्स के जाल में बिल्कुल ना फंसे। बेहतर क्वालिटी के लिए 30 से 40 रुपए ज्यादा देने से पहले पैकेट पर FSSAI नंबर जरूर देखें। साथ ही अगर शक हो तो शिकायत भी करें।
विदेशी ई कॉमर्स पोर्टल्स के बाद अब सरकार घरेलू ई कॉमर्स पोर्टल्स पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ये टैक्स प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ विज्ञापन से होने वाली आय पर भी लग सकता है और इस मुद्दे को लेकर वित्त और वाणिज्य मंत्रालय में कई दौर की बैठक भी हो चुकी। सूत्रों की माने तो वित्त मंत्रालय टैक्स की दर कम से कम रखने के पक्ष में है। हो सकता है यह दर 6% तक हो। सूत्रों के मुताबिक दवाइयों और खाने पीने की चीजों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। आज भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबारी सत्र के दौरान बाजार में निचले स्तरों से आई रिकवरी के चलते निफ्टी 7,850 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 164 अंक और निफ्टी 46 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। रियल्टी आईटी शेयर्स में आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही। पीएसयूएस बैंक के खराब नतीजों के चलते बैंकिंग शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली, तो वहीं इसके अलावा एनर्जी तेल गैस शेयर्स में भी बिकवाली रही। से निफ्टी अगर 200-250 पॉइंट का करेक्शन भी देता है इस लेवल से, मुझे लगता है दिस इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन द डिप्स विदाउट एनी डाउट। और अगर करेक्ट नहीं होता है और कंसोलिडेट होता है इस लेवल पे तो भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि दोनों सिनेरियो ऑफर्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बोल्स्टर योर पोर्टफोलियो फॉर अ लॉन्गर टाइम, से फॉर नेक्स्ट 3-5 years इज व्हाट आई वुड लुक एट इट। पिरामल एंटरप्राइजेस के चौथी तिमाही में मुनाफा 89% बढ़ा है, जबकि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 141% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चौथी तिमाही में कंपनी की आय 34% बढ़ी। कंपनी की बिक्री में अहम रोल हेल्थ केयर सेगमेंट का ही है। इसकी कुल बिक्री में करीब 54% हिस्सेदारी रही है। फार्मा सॉल्यूशंस की कुल बिक्री में 34.5%, फाइनेंशियल सर्विसेज की करीब 28% और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की हिस्सेदारी 17.5% रही। This increase in top line as well as profitability is because of an increase in all the segments that we are in. Financial services, the turnover has more than doubled compared to the previous year. In healthcare, we are up by 14%, and so also in information management, we are up by 13%. एक और पब्लिक सेक्टर बैंक कॉरपोरेशन बैंक में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। कॉरपोरेशन बैंक से 24 कंपनीज ने लोन लिया, लेकिन उनका अब कोई अता पता नहीं। ये धोखाधड़ी कॉरपोरेशन बैंक के दिल्ली स्थित नवादा ब्रांच में पकड़ी गई। जांच में पता चला कि लोन लेने वाली सभी कंपनियां लगभग एक ही वक्त पर बनाई गई थी और इन सभी 24 कंपनीज ने एसएमईज को प्रमोट करने के नाम पर करोड़ों रुपए का लोन लिया था। लोन घोटाले में बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत की भी आशंका है। कंपनियां सिर्फ कागजों पर ही बनाई गई और बैंक ने इन्हें लोन दे दिया। इस घोटाले का पता बैंक के ऑडिट के दौरान पकड़ा गया। बैंक ने अपनी जांच के बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया। लोन 2010 से 2013 के बीच दिए गए। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड यानी आरबीएस ने भारत में अपना रिटेल कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया। आरबीएस ने कहा कि वो रिटेल कारोबार से चरणबद्ध तरीके से एग्जिट करेगा। रिटेल कारोबार बंद होने से भारत में बैंक के 16 ब्रांचेस बंद होंगे। बैंक ने यह नहीं बताया कि रिटेल कारोबार के बंद होने से कितने कर्मचारियों की छटनी होगी। हालांकि बैंक ने कहा कि वो कर्मचारियों को सभी तरह की सपोर्ट भी मुहैया करवाएगा। ऑनलाइन मार्केटप्लेस शॉपक्लूज और वेब होस्टिंग कंपनी गोडैडी ने मर्चेंट्स की सहायता के लिए करार किया। इसके तहत शॉपक्लूज के प्लेटफॉर्म पर मौजूद मर्चेंट्स अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकेंगे। गोडैडी इन मर्चेंट्स को डोमेन नेम उपलब्ध करवाएगा और शॉपक्लूज इन वेबसाइट्स को मेंटेन करने में मदद करेगा। इसके लिए मर्चेंट्स को कोई फीस नहीं देनी होगी। तो फिलहाल न्यूज़ टुनाइट में इतना ही। दीजिए इजाजत।